मार्च के शुरुआत से ही गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी का प्रकोप खरगोन में ही देखा जा सकता है। मार्च में ही तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। लोग अभी से ही दोपहर में बाहर निकलने से बच रहे हैं, जिससे सड़कें अभी से सूनी दिखाई दे रही हैं। शीतल पेय, गन्ने का रस, आइसक्रीम की दुकानों पर भीड़ बढ़ने लगी है। साथ ही पानी के मटके, रांजन की बिक्री भी बढ़ गई है। सामाजिक कार्यकर्ता संजय पराशर ने बताया कि आगामी दिनों की गर्मी अपना रौद्र रूप दिखाने का संकेत दे रही है। लोग घरों से निकले तो रुमाल सिर पर बांधकर ही निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और आने वाले दिनों के लिए पानी को सहेज के भी रखें। साथ ही अन्य शीतल पेय का भी सेवन करते रहें और पशु पक्षियों के लिए भी अपने अपने स्तर पर पानी की व्यवस्था करें। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। अभी निश्चित ही मार्च का महीना चल रहा है और गर्मी ने जो अपना रौद्र रूप दिखाया है, निश्चित ही आने वाला समय बड़ा कठिन रहेगा आम जनों के लिए। अभी मार्च के दिन चल रहे हैं और करीब आधा मार्च बीता है और अभी 40 डिग्री का तापमान है, लेकिन जो आने वाला समय मुझे ऐसा लगता है कि मई या जून में 48 से 49 डिग्री का तापमान खरगोन ज़िले में हो सकता है और आने वाले समय में पानी की कमी भी हो सकती है। इससे लोगों को चाहिए कि पानी को थोड़ा बचा कर रखें, ज़्यादा दुरुपयोग नहीं करें और पक्षियों का भी ध्यान रखें। पक्षियों के लिए भी थोड़ा पानी यदि घर के ऊपर या वृक्षों के ऊपर टांग देंगे, वरना पक्षी भी वृक्ष से नीचे गिर सकते हैं। आम लोगों ने किस तरीके से अवेयरनेस करना चाहिए गर्मी को देखते हुए? गर्मी को देखते हुए आम लोगों को चाहिए कि थोड़ा, जैसे जब भी घर से बाहर निकले धूप में, तो सर के ऊपर थोड़ा कुछ कपड़ा वगैरह बांध ले और जैसे हमारी निमाड़ी संस्कृति और घरेलू उपाय कहते हैं कि थोड़ा प्याज वगैरह का भी फर्क पड़ता है, इसलिए जेब में प्याज वगैरह भी लेके निकले ताकि लू वगैरह न लगे। उसके अतिरिक्त तो मेडिकल सुविधाएं आधुनिक दौर बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, उसका भी उपयोग करना चाहिए। और हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।